दोस्तों वेलकम बैक टू आर चैनल कार दुनिया। दोस्तों ये खड़ी है आपके सामने हुंडई अल्काज़ार 2023, जिसमें कई मेजर चेंजेस हुए हैं। ये गाड़ी पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑप्शंस में आती है, जिसमें पेट्रोल में काफ़ी मेजर चेंज हुआ है। ये पर्टिकुलर गाड़ी आपके सामने खड़ी है हुंडई अल्काज़ार का मिडिल वेरियंट प्लेटिनम 7 सीटर मैनुअल ट्रांसमिशन पे टर्बो पेट्रोल इंजन। यहाँ पे दोस्तों इसमें अब टर्बो पेट्रोल इंजन आ गया है। अभी इंजन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले दोस्तों आपको इस गाड़ी की प्राइसिंग बता देता हूँ। तो इसका प्रेजेंट में एक्स शोरूम कॉस्ट है 18,65,100 रुपीज़, जिसमें मैं कंपलसरी चार्जेस जैसे कि RTO इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज ऐड कर दूँ तो ये UP में ऑन रोड पड़ रही है तकरीबन 22 लाख रुपये की। अब चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले एक्सटीरियर में क्या हुआ है चेंज। देखिए इस गाड़ी के अगर हम फ्रंट लुक को देखेंगे तो इसकी ग्रिल पे चेंजेस किए गए हैं। अल्काज़ार में कुछ इस तरीके की ग्रिल आती थी, जिसको चेंज कर दिया है। देखिए कुछ यहाँ पे डिज़ाइन अलग कर दी गई है। ये कैस्केड पैटर्न पे ग्रिल देखने को मिल रही है। डार्क क्रोम को अभी भी यूज़ किया गया है और इस ग्रिल के चेंज होने से इस गाड़ी का फ्रंट लुक देखिए बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल जो है ये टर्बो पेट्रोल इंजन पे इसके ग्रिल को चेंज किया है, डीजल पे ये ग्रिल चेंजेस नहीं है। पहले मैं आपको सारे चेंजेस बता दूंगा, फिर सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में सिर्फ एक यही चेंज हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंजन की, सबसे पहले आपको इंजन बताते हैं क्योंकि पेट्रोल पर मेजर चेंज किया गया है। तो इसके बोनट को ओपन करके चेक कराता हूँ इंजन। दोस्तों इस गाड़ी पे 2 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन आता था, जिसको रिप्लेस किया है 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन ने। दोस्तों निराश मत होइए, 2 लीटर से 1.5 लीटर का इंजन ज़रूर हो गया है, लेकिन यहाँ पे यूज़ कर दिया गया है टर्बो को। टर्बो होने की वजह से इवन पहले से ज़्यादा पावर आपको अब इस गाड़ी में मिलेगा। पहले इस गाड़ी का पावर था 159 PS का, जो कि अब बढ़ के हो गया है 160 PS। हालांकि यहाँ पे पावर सिर्फ एक ही PS बढ़ा है, लेकिन टॉर्क में तो काफ़ी मेजर चेंज हुआ है। पहले इस गाड़ी का टॉर्क था 191 Nm का, जिसको रिप्लेस कर दिया, बढ़ा दिया इस टर्बो पेट्रोल इंजन ने 253 Nm का। यानी आपको इनिशियल पिकअप इस गाड़ी में पहले से बेटर मिलेगा। ये है एक छोटा इंजन, लेकिन बनाता है ज़्यादा पावर एंड पिकअप। इसके अलावा दोस्तों ये इंजन जो है वो BS6 फेज 2 के हिसाब से डिज़ाइन कर दिया गया है। RDE कॉम्प्लेंट यानी रियल ड्राइविंग एमिशंस कॉम्प्लेंट ये इंजन है। E20 फ्यूल को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे इसमें मेजर चेंज इंजन में चेक कर लिया है और इसके फ्रंट में जो ग्रिल पे हुआ है वो मैंने आपको बताया है। चलिए अब फटाफट क्विक वॉक अराउंड करते हुए सारी चीज़ें दिखाएंगे। एक और छोटा सा फीचर चेंज है, वो है गाड़ी के अंदर जब बैठेंगे ड्राइविंग सीट पर तब आपको चेक करा देंगे। चलिए क्विक वॉक अराउंड करते हुए आपको इस गाड़ी के सारे फीचर्स भी बता देता हूँ। तो देखिए इसमें है स्टैंडर्ड ट्रायो बीम LED हेडलैम्प, सराउंड्स में यहाँ पे DRL कम पोजिशनिंग लाइट्स मिल जाती हैं और फॉग लैम्प्स जो हैं वो भी LED बेस्ड दिए हुए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड में प्लैटिनम वेरिएंट कवर करता है R18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। यहाँ पे देखिए इसका टायर साइज लिखा हुआ है 215/55, R18 इंच के ये व्हील्स मिलेंगे। इसके बाद आउटसाइड मिरर्स पे ही टर्न इंडिकेटर्स, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स, ये सारे फीचर्स दोस्तों इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखें तो रूफ रेल्स भी यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलती है। चलिए आते हैं इस गाड़ी के बैक साइड पर और बैक से आपको बताते हैं क्या है चेंज या फिर नहीं। हालांकि पीछे की तरफ चेंज एज सच फीचर में कोई नहीं है, ये टर्बो को कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए टर्बो की मार्किंग यानी एम्बलम आ गया है। इसके अलावा हनीकॉम पैटर्न पे LED टेल लैंप देख सकते हैं। पीछे की तरफ वाइपर, डिफॉगर और साथ में दोस्तों खास बात ये है प्लैटिनम वेरियंट की कि इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। पीछे के लिए यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है। साइड प्रोफाइल्स के लिए जो इसके आउटसाइड मिरर्स हैं इन पर यहाँ पर इधर कैमरा आप चेक कर सकते हैं और फ्रंट के लिए यहाँ पर ग्रिल पे ये देखिए इधर कैमरा मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर में क्या कुछ मिलता है मैंने आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं बाकी फीचर्स। अल्काज़ार में दोस्तों बहुत सारे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि देखिए स्मार्ट की, दोनों स्मार्ट कीज़ हैं, 4 बटन कीज़ हैं, लॉक अनलॉक, बूट ओपनर और साथ में रिमोटली आप इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्मार्ट एंट्री बटन है, इससे हम भी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। लॉक अनलॉक के टाइम पे देखिए, लॉक के टाइम पे तो ये मिरर्स बंद हो गए और अनलॉक के टाइम पे ये ओपन हो जाएंगे। साथ में नीचे की तरफ पडल लैंप्स दिए हुए हैं, जिसमें हुंडई लोगो प्रोजेक्शन भी दे रखा है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें हालांकि चेंजेस नहीं है, ये सब प्लैटिनम में पहले भी आते थे। सिर्फ आपको सारे फीचर्स इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आइडिया रहे इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। इंटीरियर प्रोफाइल देख लीजिए, यहाँ पे हुंडई की बाकी गाड़ियों से डिफरेंट दिखता है हुंडई अल्काज़ार का इंटीरियर। ये है कॉन्याक ब्राउन डुअल टोन इंटीरियर, आप इसमें चेक कर सकते हैं। इस साइड पर देख लीजिए,
इंजन, स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये भी स्टैंडर्ड है। इसका जो प्रेस्टीज वेरियंट है दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज हुआ है, क्या नया अपडेट आया है हुंडई अल्काज़ार 2023 में। वेलकम मैसेज भी आता है जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक बटन दोस्तों एक्स्ट्रा दे दिया है, नया आ गया है। ये एक नया फीचर है आइडल स्टॉप एंड गो का। ये फीचर से फ़ायदा ये मिलता है, अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है तो गाड़ी जैसे ही आइडल कंडीशन पे आएगी, रुकी होगी, इंजन अपने आप बंद हो जाएगा, वापस से जब हम क्लच को प्रेस करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूल सेविंग फीचर है, पेट्रोल इस तरीके से इसमें बच जाता है, और ये स्टैंडर्ड कर दिया है हुंडई अल्काज़ार में। इवन हुंडई की कई और गाड़ियों में भी ये फीचर दिया है, तो ये एक नया अपडेट हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल 3 चेंजेस हो गए 2023 में। एक तो फ्रंट की ग्रिल, इंजन पावरफुल कर दिया गया, टर्बो इंजन दे दिया पेट्रोल में, और ISG फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम जो भी फीचर्स आपको दिखाएंगे, ये सब पहले भी हुंडई अल्काज़ार में आते थे। अपोस्ट्री की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रीमियम क्वालिटी की लेदराइट सेटिंग्स दी हुई हैं। ये सीटें आगे की वेंटिलेटेड नहीं है, वेंटिलेटेड सीट जो है वो इसके अपर वेरियंट सिग्नेचर में आती हैं, बट इसकी डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बनी है कि ऐसा लगता है कि ये वेंटिलेटेड सीट्स इसमें दी हुई हैं। बाकी पावर एडजस्टमेंट, 8-way पावर एडजस्टमेंट ड्राइविंग सीट दे रखी है, हाइट एडजस्टमेंट भी जो है वो इसमें इलेक्ट्रिकली मिलता है। इस साइड पर अगर हम डोर पैनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, ये सब सॉफ्ट लेदर ट्रिम देखने को मिलेगा इस वेरिएंट पे। बाकी कंट्रोलिंग्स आप चेक कर सकते हैं, इसमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, और इस साइड पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें आउटसाइड मिरर्स के कंट्रोल्स सब इधर डोर्स पे लगे हुए हैं। चलिए अब आपको पहले बूट चेक कराते हैं, फिर आएंगे केबिन की तरफ। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 7-seater वेरिएंट, प्लैटिनम मैनुअल ट्रांसमिशन दोस्तों 7-seater पे ही आती है। अगर आपको 6-seater लेना है तो जाना पड़ेगा इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट पे। सबसे आगे दो लोग बैठ सकते हैं, सेंटर यानी सेकेंड रो सीटिंग पे 3 लोगों के बैठने का प्रोविज़न है, और पीछे की जो सीटिंग है इसमें 2 लोगों के बैठने का प्रोविज़न दिया हुआ है। टोटल 7-seater हो गई, और जब सब सीटें अपनी जगह पे हैं तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कितना आपको इसमें लगेज स्पेस मिलता है। एक बार मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ, तो मेरे हाथ के हिसाब से लगभग 1.5 अंगुल यहाँ पे स्पेस है। बहुत ज़्यादा तो स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आप इसके स्पेस को मैनेज करना चाहते हैं तो इसकी सीटों को पीछे तरफ बेंड कर दीजिए अगर पीछे कोई नहीं बैठा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप स्पेस बना सकते हैं, सामान को रख सकते हैं। अगर पीछे की दोनों सीटें खाली हैं, लगेज ज़्यादा है, तो दोनों तरफ से बेंड कर दीजिए, और ये देखिए एक बड़े साइज़ का यहाँ पे स्पेस आपके सामने निकल के आ गया है। स्पेयर व्हील जो है वो इधर नीचे रखा है, और ये स्पेयर व्हील बाकी व्हील्स की तरह नहीं दिया है क्योंकि ये स्टील पे दे रखा है। तो यहाँ पे इधर सारी चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी हैं। चलिए अब चलते हैं, बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। अब एक्सप्लोर करते हैं इसके केबिन को। जितने भी फीचर दोस्तों अब मैं आपको चेक करा रहा हूँ, ये सब हुंडई अल्काज़ार प्लैटिनम में पहले भी आते थे। यहाँ पे देख लीजिए बैक डोर पे भी यहाँ पे सब ये सॉफ्ट आर्मरेस्ट दिया हुआ है। इस साइड पे देखिए तो सन कर्टेंस भी इसमें दे रखे हैं, हालांकि ये फीचर भी स्टैंडर्ड है। इसके अलावा सेकेंड रो सीटिंग चेक कर लीजिए, ये 60-40 स्प्लिट पैटर्न पे है। दोनों ही पोर्शन की सीटें जो हैं वो टिप एंड टंबल हो जाती हैं, और इसके जो बैक रेस्ट हैं इसको आप रिक्लाइन करके अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए बैठते हैं ज़रा इस गाड़ी की इस वाली सीटिंग पे। ड्राइविंग सीट पे मैंने जो है सेट किया हुआ है, जैसे मैं ड्राइव करता हूँ, मेरी हाइट है 5'8", और इसके थोड़े से मैं बैक रेस्ट को इधर इधर लीवर दिया हुआ है, इससे मैं सेट करके थोड़ा सा और पीछे की तरफ ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंफर्ट लेवल की बात करते हैं तो मेरे पैर देखिए इधर आराम से मैं इधर बैठ पा रहा हूँ। सीटें ऊँची हैं जिससे मेरे प्रॉपर तरीके से पैर अंदर तरफ जा रहे हैं और कंफर्ट को बढ़ा रहे हैं। सीटें स्लाइडर हैं, इसको मैं पीछे पूरी थी या फिर इसको पूरा आगे ले जाता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे तो स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बट इतना नहीं रखूँगा मैं क्योंकि यहाँ पे तो मैं आराम से नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं इस हिसाब से सेट कर देता हूँ कि मेरे पैर टकराए बिना, और पीछे चेक करेंगे कितना स्पेस मिलेगा। तो ये सीट को मैं अब मूव नहीं कराऊंगा, इसी पोजीशन पे बैठेंगे पीछे की तरफ। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा रियर एसी वेंट, एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। ऊपर साइड देख लीजिए यहाँ पे जो ग्रिप्स हैं फोल्डिंग टाइप है, और ग्रिप्स के अंदर की तरफ रीडिंग लैंप्स LED बेस्ड लगे हुए हैं। चलिए यहाँ पे सेकेंड रो सीटिंग का स्पेस मैंने आपको चेक कराया है, अब उस वाले पोर्शन से टेप एंड टंबल करके जाएंगे पीछे की तरफ। प्लैटिनम वेरिएंट में एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे देखिए जिसके हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं सेकेंड रो सीटिंग के, उसमें देखिए कुशंस भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी कोजी कुशंस यहाँ पे मिलते हैं। इस साइड से मैं इसको कर देता हूँ टिप एंड टंबल। ये मैनुअल होती है, इसमें इलेक्ट्रिक
सेटिंग्स नहीं दी हुई हैं टिप एंड टंबल करने के लिए। अब बैठते हैं जरा पीछे की साइड पे और देखते हैं कंफर्ट को। मैं सारी चीज़ें दोस्तों आपको चेक करा दे रहा हूँ, ये मैं अपने सारे वीडियोस में दिखाता हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि कितना कंफर्ट लेवल है। अब देखिए ये जो मेरे पैर हैं, देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर अटक रहे हैं क्योंकि मैंने इसका जो बैक रेस्ट है वो थोड़ा सा पीछे किया था। अब इसको मुझे थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर मैं उतने आराम से नहीं बैठ पाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बैठ पा रहा हूँ और कितना लेग रूम है इस समय आप चेक कर सकते हैं। देखिए मेरे पैर यहाँ पे टच हो रहे हैं इस साइड पर, देख लीजिए। और जो सीटें हैं वो इधर ऊंची हैं तो थोड़े से पैर मेरे अंदर भी चले गए हैं, तो उतना कंफर्ट तो नहीं है। अगर मेरी हाइट से किसी की हाइट कम है तो वो डेफिनेटली और ज़्यादा कंफर्टेबली इसकी बैक सीटिंग पर बैठ सकता है। तो यहाँ पर जो सीटें इसकी थर्ड रो की हैं वो कितनी कंफर्टेबल है या फिर नहीं है ये आप यहाँ पे जज कर पा रहे होंगे। बाकी दोस्तों इस साइड पे देख लीजिए हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट इधर भी दिए हुए हैं और जो है कप होल्डर्स मिल जाएंगे और टाइप ए यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दो दे रखे हैं, देखिए दोनों तरफ इधर भी दिए हुए हैं। साथ में यहाँ पे डेडिकेटेड ब्लोवर यूनिट भी इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पे बैक सीटिंग पे क्या क्या है मैंने दिखा दिया है, एक बार रूफ चेक कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको एलईडी रीडिंग लैंप्स मिलेंगे। तो पीछे की सीटिंग जो है वो बेसिकली दोस्तों अगर कोई बच्चा है आपके फैमिली में तो उसके लिए तो कंफर्टेबल है, अगर हाइट किसी की कम है तो वो बैठ सकता है आराम से, अगर कोई लंबा है अच्छी हाइट है तो उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। अब दोस्तों बैठे इस गाड़ी के ड्राइविंग सीट में और बाकी चीज़ें भी आपको चेक करा देता हूँ। 2023 हुंडई अल्काज़ार प्लैटिनम वेरिएंट दोस्तों टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन पे मैं आपको चेक करा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए इधर साइड पे आपको मिल जाएंगे कुछ कप होल्डर्स, इधर दो बटन दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक इसमें मिल जाता है, इसके अलावा ऑटो होल्ड का फीचर भी दिया हुआ है। अगर आपने इसको एक्टिवेट करके रखा हुआ है तो गाड़ी जब ब्रेक लगा के मैं पूरी तरीके से रुकेगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा रहेगा, एक्सलेट करेंगे वापस से हट जाएगा। तो स्टीपी सरफेसेस पे या हिल्स पे ये फीचर काफ़ी मदद करता है। आगे भी आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा इसमें, अगर सेकेंड रो पे देखेंगे तो सेंटर पे यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर के लिए इधर एक सेंटर आर्मरेस्ट दे रखा है जिसमें देखिए एयर प्यूरीफायर भी प्लैटिनम वेरिएंट कवर करता है। AQI इंडेक्स के साथ ये एयर प्यूरीफायर है, ये पैनल इसमें टच स्क्रीन पे दिया हुआ है और जब इसको ओपन करेंगे तो अंदर तरफ यहाँ पे एक बॉक्स भी मिल जाएगा। एम्बियंट मूड लाइट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिनको 64 कलर्स में चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ पर इसके डैशबोर्ड्स में इधर की तरफ एम्बियंट लाइट्स लगी हैं और हर डोर के इस पैनल पे यानी यहाँ पे देखिए आपको हल्की सी पर्पल कलर की ये लाइट दिख रही होगी, तो एम्बियंट मूड लाइट्स हैं। हालांकि ये भी स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट्स में आती हैं। इसके अलावा बात करते हैं काफ़ी सारे दोस्तों, ये गाड़ी प्रीमियम फीचर्स कवर कर लेती है। 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप भी इसमें मिल जाएगा। फर्दर इस साइड पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएंट यानी इसका जो प्लैटिनम वेरिएंट है ये ऑलरेडी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स कवर करता था। यहाँ पे जो भी सेफ्टी फीचर्स में इंप्रूवमेंट हुए दोस्तों वो इसके बेस एंड वेरिएंट यानी प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव में हुए, जिसका नाम अब सिर्फ प्रेस्टीज कर दिया गया है। प्लैटिनम में ऑलरेडी सारे सेफ्टी फीचर्स आते थे तो 2023 के अपडेट्स में कोई भी सेफ्टी फीचर्स इस वेरिएंट पे नहीं पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल इनेबल करके यहाँ पे लिख कर आता है। इसके अलावा इसमें हिल एसिस कंट्रोल, 6 एयर बैग्स, फ्रंट डुअल एयर बैग्स यहाँ पे दे रखे हैं। इवन अगर इसका यहाँ पे बी पिलर चेक करेंगे तो देखिए इसमें भी एयर बैग्स दिए हुए हैं, इनको कर्टेन एयर बैग्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मार्किंग है और फ्रंट की सीटों में यहाँ पे भी एयर बैग्स की ये मार्किंग दी हुई है। तो इसमें टोटल 6 एयर बैग्स पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, बट अब गाड़ी पे यानी हुंडई अल्काज़ार पे स्टैंडर्ड हो गए हैं, इसके स्टार्टिंग वेरियंट पर भी 6 एयर बैग्स दे दिए हैं। साथ में हाइट एडजस्टेबल फ्रंट की ड्राइविंग और फ्रंट पैसेंजर की सीट बेल्ट हैं। तो ये सारे फीचर्स पहले भी थे तो यहाँ पे इन पर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है इस वेरिएंट के लिए। जो भी इंप्रूवमेंट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल सिर्फ 3 इंप्रूवमेंट्स इस गाड़ी पे किए हैं। 10.25 इंच का यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम चेक कर सकते हैं जो कि अब स्टैंडर्ड हो गया है। इसके नीचे वाले वेरिएंट पे भी सेम म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। इनबिल्ट नेविगेशन इसमें दिया हुआ है, OTA मैप अपडेट्स हैं, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
तो ये सारे फीचर्स में मिल जाते हैं। खास बात ये है जो कि इसके नीचे वाले वेरिएंट में नहीं है, वो है बॉस का प्रीमियम साउंड दोस्तों इसमें दिया हुआ है। तो टोटल 8 बॉस के प्रीमियम स्पीकर्स लगे हुए हैं, हर डोर पे एक एक स्पीकर है। आगे की तरफ 2 ट्यूटर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर पे इधर भी देखिए एक स्पीकर है और बूट में भी एक दिया हुआ है। तो टोटल 8 बॉस का प्रीमियम साउंड ये वेरिएंट कवर करता है। इसके बाद ऑटोमेटिक एसी, वायरलेस चार्जर, ये सब चीज़ें तो दोस्तों इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं है और ना ही ये इस वेरिएंट का स्पेसिफिक फीचर है। बाकी इस साइड पे दिखाता हूँ तो देखिए कूल ग्लोव बॉक्स मिलेगा। ऊपर साइड दिखा देते हैं तो दोस्तों ये वाला पैनल पे भी जो है स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट्स पे आते हैं। हुंडई अल्काज़ार एक ऐसी गाड़ी है जिसमें बेसिक वेरिएंट लीजिए तो भी बहुत सारे फीचर्स हैं और ये वेरिएंट लीजिए तो डेफिनेटली और फीचर्स मिल जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ भी दोस्तों हुंडई अल्काज़ार पे स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट्स पे आती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आगे का पूरा ग्लास ओपन हो जाएगा और पीछे तक इसमें ग्लास दिया हुआ है। तो ये है हुंडई अल्काज़ार 2023। मैंने आपको सारे फीचर्स इस गाड़ी के चेक करा दिए हैं। ट्रांसमिशन और दिखा देता हूं, तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, ये पेट्रोल टर्बो इंजन मैं आपको दिखा रहा हूं। रिवर्स गियर जैसे लगाऊंगा 360 डिग्री व्यू है, तो ये काफ़ी मदद करता है। ये भी प्लैटिनम वेरिएंट का स्पेसिफिक फीचर है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एक ईगल आई व्यू, और इसके बाद अगर आप कैमरे के एंगल्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसमें चेंज करके जो भी एंगल आपको देखना है उसमें इसको कैमरे को स्विच कर सकते हैं। तो हुंडई अल्काज़ार 2023 प्लैटिनम 7 सीटर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दोस्तों मैंने आपको चेक कराई है, सारे चेंजेस दिखाए, सारे फीचर्स बताए, कैसे लगे ये चेंजेस, और ख़ास बात इसके इंजन को जो 1.5 लीटर का टर्बो किया है उसको कैसा लगा, ग्रिल कैसी लगी, सब कुछ हमें बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा दोस्तों। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं अभी तक आपने कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।